निर्गमन अध्याय दस। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाओ, और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्टों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किए हैं, जिससे तुम यह जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूं। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि तू कब तक मेरे सामने दिन होने से संकोच करता रहेगा। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को जाने न दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा और वे धरती को ऐसा छा लेंगी कि वह देख न पड़ेगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है उसको वे चट कर जाएगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वे चट कर जाएगी, और वे तेरे और तेरे सारे कर्मचारियों निदान सारे मिस्रियों के घरों में भर जाएगी। इतनी टिड्डियां तेरे बापदादों ने व उनके पुरखाओं ने जब से पृथ्वी पर जन्मे तब से आज तक कभी न देखी। और वह मुंह फेर कर फिरौन के पास से बाहर गया। तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र देश नाश हो गया है? तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए, और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन है? मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों भेड़ बकरियों गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे जबकि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूं। देखो, तुम्हारे आगे को बुराई है। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सन्मुख से निकाल दिए गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सबको चट कर जाए। और मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आई, और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरन न तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां आई थी और न उनके पीछे ऐसी फिर आएगी। वे तो सारी धरती पर छा गई, यहां तक कि देश अंधेरा हो गया, और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल निदान जो कुछ ओलों से बचा था सबको उन्होंने चट कर दिया। यहां तक कि मिस्र देश भर में न तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और न खेत में अनाज रह गया। तब फिरौन ने फुर्ती से मूसा और हारून को बुलवा के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है, इसलिए अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वह केवल मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। तब मूसा ने फिरौन के पास से निकलकर यहोवा से विनती की। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पछुआ बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया, और
मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी न रह गई, तो भी यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, जिससे उसने इसराइलियों को जाने न दिया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया। 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इसराइलियों के घरों में उजियाला रहा। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैलों को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुमको हमारे साथ मेलबलि और होमबलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाए, इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा, और हम जब तक वहां न पहुंचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। पर यहोवा ने फिरौन का मन हठीला कर दिया, जिससे उसने उन्हें फिर जाने न दिया। तब फिरौन ने उससे कहा, मेरे सामने से चला जा और सचेत रह, मुझे अपना मुख फिर न दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुख दिखलाए उसी दिन तू मारा जाएगा। मूसा ने कहा कि तूने ठीक कहा है, मैं तेरे मुंह को फिर कभी न देखूंगा।